नमस्कार, मैं आरती शर्मा जन समय न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। गुरु के जयघोष से गूंज उठा भांडवपुर तीर्थ। जालौर ऋषभ नगर मंदिर में पंच दिवसीय मंगल महोत्सव। जूनियर मुक्केबाजी का ट्रायल हुआ आज। बोर्ड पहली बार देगा शिक्षा, खेल और कला रत्न पुरस्कार। सेन समाज के छात्रावास के निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर। मोदी विचार मंच का गठन। भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त। समाचार विस्तार से। गुरु के जयघोष से गूंज उठा भांडवपुर तीर्थ। सहारा संवाददाता पूराराम थलवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती भांडवपुर जैन तीर्थ में आचार्य जयरत्न सुरेश्वर मारासा एवं विदुषी साध्वी सूर्य क्रीड़ा श्री जी आदि श्रवण श्रमणी वृंद की निश्रा में रविवार को गुरु शांति विजय मारासा की 20वीं पुण्यतिथि एवं समाधि मंदिर की 15वीं ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम को लेकर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सवेरे शुभ मुहूर्त में लाभार्थी परिवार गेबाजी धर्माजी डामराणी निवासी मेंगलवा वालों की ओर से ढोल धमाकों के साथ मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के दौरान महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। वहीं जैन समाज के लोगों ने जयघोष के साथ पुष्प वर्षा की। जालौर ऋषभ नगर मंदिर में पंच दिवसीय मंगल महोत्सव प्रारंभ। मरुधरा की धन्य धरा एवं विरमदेव की भूमि पर स्वर्गीय माता श्री आसीबाई स्वर्गीय पिता श्री धर्माजी गांधी के दिव्य आशीष से श्री ऋषभ नगर ध्वजा एवं बाबा जी महाराज मेला का पंच दिवसीय मंगल महोत्सव का कार्यक्रम गांधी परिवार की ओर से संजोया गया। आज मंदिर की ध्वजा चढ़ाई एवं सकल संघ का स्वामी वात्सल्य रखा गया। गांधी परिवार ने सभी को यथोचित सम्मान देते हुए स्वागत किया। वहीं आज शाम को ऋषभ नगर में प्रभु भक्ति का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भजन गायक सुरेश ओसवाल के द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी। जूनियर मुक्केबाजी का ट्रायल हुआ आज। जालौर आर्य विरम व्यायाम शाला में सब जूनियर मुक्केबाजी का ट्रायल आज शाम को 5:30 बजे आयोजित हुआ, जहां सभी खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपने अपने ग्रुप के साथ मुक्केबाजी का प्रदर्शन किया। साथ ही चयनित मुक्केबाज जोधपुर में 16 से 18 जून को होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह जानकारी जगदीश आर्य ने दी। बोर्ड पहली बार देगा शिक्षा, खेल और कला रत्न पुरस्कार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस वर्ष खेल, शिक्षा और कला रत्न पुरस्कार प्रदान करेगा। जल्द ही इन पुरस्कारों के लिए समारोह की घोषणा की जाएगी। बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शिक्षा रत्न तथा 2 विद्यार्थियों को क्रमशः खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी। ये राजस्थान बोर्ड की ओर से एक अच्छी पहल है। इस तरह के खेल रत्न व शिक्षा रत्न पुरस्कारों से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़े। सेन समाज छात्रावास के निर्माण को लेकर तैयारियां। जसवंतपुरा में सेन समाज देवलाटी पट्टी में 6 से 7 जून तक होने वाले छात्रावास निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस पूरे कार्यक्रम में 5 जिलों के समाज बंधु भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु काम की मॉनिटरिंग दिनेश भाई जसवंतपुरा, कपूर जी दालीवाड़ा, विक्रम चेकला व जीतू भाई गोलाना कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पूरे सेन समाज बंधुओं को ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का आग्रह किया गया है। यह जानकारी विक्रम सेन चेकला ने दी। मोदी विचार मंच का गठन। जालौर जिले में नरेंद्र मोदी विचार मंच का गठन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को गति देने के उद्देश्य को लेकर एक विचार मंच का गठन किया जाना है, जिसमें जालौर जिले के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा रहा है। यह जानकारी श्रवण पटेल ने दी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त। इंग्लैंड के बर्मिंगम में आयोजित आईसीसी चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी में भारत ने अपने पहले मैच में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को शिकस्त दी। आज दोपहर से ही क्रिकेट प्रेमी अपने घरों में टीवी की दुकानों और होटलों में टीवी पर अपनी नजरें गड़ाए मैच के उतार चढ़ाव अधीरता से देखते रहे।
अंत में जैसे भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी तो क्रिकेट प्रेमी उछलते हुए बाहर सड़कों पर आकर खुशी का इजहार करने लगे और सड़कों पर पटाखे फोड़ते हुए मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाने लगे। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की समाचार खबरों में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर।